Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिच एक रेसिपी बनाने लगे हैं, जिसका नाम है गाजर घीए दे नवाबी कोफ्ते। सब तो पहला मैं ऐड कर रहा जी 1 चम्मच चॉप की हुई अदरक, 1 चम्मच चॉप की हुई लसन, इस दे नाल नाल अद्धा चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च। ये तीनों चीज़ों आप पका लेना। तो जी इन्ह तिना इंग्रीडियंट्स के नाल आप थोड़ी जी चीज़ा होर ऐड करते हैं जी। इस हूँ मैं ऐड करूँगा जी 1/2 चम्मच अजवाइन, थोड़ा इसनों इस तरह फैला के, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच नमक। इनू भी आप चंगी तरह मिक्स कर लाँगे। तो हूँ आप ऐड करांगे जी गाजर ते घीआ। तो चंगी तरह जी इसनों मिक्स करना आप। तो जी इस स्टेज पर आप इसनों 4 से 5 मिनट लिए पकावांगे, जब तक ये वैजिटेबल थोड़ी सॉफ्ट नहीं होंदियां। चंगी तरह इसनों स्टर करते हुए पकाना आप। तो बिल्कुल इस तरीके आप इसनों सौते करांगे, फिर कंटिन्यू करते हैं जी अपनी रेसिपी। तो हुण जी साडियां जिहड़ियां वैजिटेबल सीगियां वो असीं सौते कर लियां। तो सौते करन नाल की होया कि जिहड़ा इसका मॉइस्चर है ना वो भी वैपोरेट हो चुका है, थोड़ी ड्राई हो चुकी है। तो हुण आपां जी कोफ्ते का मिक्सचर तैयार करना है। उहदे वास्ते मैं यूज़ करूँगा जी थोड़े जे उबले हुए आलू। इत्थे मैं 3-4 आलू जिहड़े आ इस च ऐड कर रहा। असीं आलूआं नूं वैसे कट लिया सीगा, हुण आपां इह मिक्सचर दे विच इसनूं मैश करांगे। तो जी आलू असीं मिक्स कर दिते, थोड़ी जी बाइंडिंग आ गई है पर प्रॉपरली हले बाइंड नहीं होया मिक्सचर। तो इसनों होर चंगी तरह बाइंड करने लिए असी यूज़ करांगे इत्थे बेसन। इत्थे मैं 2 चम्मच बेसन इस ऐड कर रहा। तो होर भी कुछ फ्लेवर्स असी ऐड करने वाले हैं जी। सब तो पहला मैं इस ऐड करना है थोड़ा जिहा चॉप किया हुआ काजू। ये बहुत वधिया एक करंची दे नटी फ्लेवर जिहड़ा काजू ने दे देना है। इस तो बाद असी ऐड करन लगे जी 1/2 चम्मच धनिए का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच लाल मिर्च। तो इस तो बाद असी इसनों चंगी तरह मिक्स करना है। तो जिहड़ी ये बाइंडिंग है वह बेसन मिक्स करन नाल आ जाएगी। हुण आपां चंगी तरह इसनों मिक्स करते हैं। देखो जी जिहड़ा मिक्सचर है इहनूं असी ठंडा कर लिता, बिल्कुल सही गल होगी जी, बहुत फर्म हो चुका है। तो हुण आपां कोफ्ते की शेप बनावांगे। तो कोफ्ते की शेप लई थोड़े जे आपां हत्थां नूं गिल्ला करके एक आपां चम्मच का इस्तेमाल करना। चम्मच नूं भी मैं थोड़ा वैट कर लिया जी। तो चम्मच की मदद नाल एक पोर्शन आपां इस तरह चक्कांगे। तो इहदे विच मैं ऐड करना जी किशमिश नूं। इस तरह आपां इस च एक किशमिश ऐड करके इहनूं असीं क्लोज़ कर देना। तो वधिया जी एक छोटी जी इस तरह शेप बनावांगे। तो ओवल शेप रखनी है, थोड़ा इसनूं आपां प्रेस करके ओवल शेप रखांगे। तो इस तरह की कोफ्ते की शेप जिहड़ी है बना लवांगे। सारा मिक्सचर मैं इसे तरह रेडी कर लूँगा। तो मीनवाइल आप शुरू करते हैं जी ग्रेवी मेकिंग। तो बहुत वधिया एक नवाबी ग्रेवी बनावांगे फुल ऑफ फ्लेवर्स। शुरुआत करते हैं जी। सब तो पहला असी इस ऐड करांगे 2 से 3 चम्मच सरों का तेल। तो तेल नूं असी गर्म होने देना जी चंगी तरह। एक्चुअली जिहड़ा सरों का तेल है ना, इसका फ्लेवर, इसकी एक शार्पनैस ओवरऑल ग्रेवी के विच बहुत ही यूनीक एक फ्लेवर ऐड करेगी, बहुत एक यूनीक टैक्सचर भी ऐड करेगी। तो इस स्टेज पर हुण आपां ऐड करन लगे हैं जी 1/2 चम्मच हींग। बहुत वधिया हींग का जिहड़ा फ्लेवर है साडी इस डिश च आएगा। तो हुण आपां ऐड करने हैं जी एरोमैटिक स्पाइसिस, या फिर वो वाले इंग्रीडियंट्स जिसकी खुशबू बहुत वधिया होंदी है, जिवें कि 1 चम्मच चॉप किया हुआ लसन, 1/2 चम्मच चॉप की हुई अदरक, थोड़ा अदरक का फ्लेवर ज़्यादा देना जी इस, 1/2 चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च। ये सारिया चीज़ों आप मिक्स कर लेना है। तो लो जी थोड़ा इसनों सौते करन तो बाद इस मैं ऐड करन लग्या 4 से 5 चम्मच प्याज की पेस्ट। तो जिहड़ी ये प्याज की पेस्ट है ओवरऑल जिहड़ी बॉडी आएगी ना ग्रेवी की इसे पेस्ट तो आनी है। इहनूं आपां चंगी तरह भुनना है जी जब तक कि वधिया गोल्डन नहीं होंदी। तो हुण चंगी तरह इसनों मिक्स करके आपां भुन लवांगे। तो लो जी आपां जिहड़े प्याज हैं इहनूं असीं भुन लिता जी, वधिया ऑयल भी सैपरेट हो गया। इस स्टेज पर मैं ऐड करन लग्या जी 3 से 4 टमाटरां की पेस्ट। तो इस प्यूरे नूं भी आपां चंगी तरह मिक्स करके भुन लवांगे। हुण आपां इस च ऐड करांगे थोड़ी जी दही ते सारे पाउडर स्पाइसिस। शुरुआत करते हैं जी पाउडर स्पाइसिस तो। इत्थे मैं यूज़ कर रहा जी 1/2 चम्मच देगी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच असी ऐड कर रहे जी ब्लैक पेपर, 1 चम्मच भर के मैं यूज़ करूँगा जी किचन किंग मसाला। ओवरऑल ग्रेवी नूं वधिया फ्लेवर देने वास्ते इसनों असी यूज़ कर रहे हैं। 1 चम्मच की धनिया का पाउडर है, ये भी बहुत वधिया एक फ्लेवर ते नाल ना बाइंडिंग लेके आता है, ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है इस दे नाल। 1 चम्मच जी जाएगा सॉल्ट, नमक तुसी टेस्ट हिसाब नाल भी पा सकते हो।
अद्धा चम्मच हल्दी ते हुण असीं ऐड करांगे जी 3 to 4 चम्मच दही। ये सारियां चीज़ां नूं आपां चंगी तरह मिक्स कर लेना। हुण इहदी ग्रेवी बनाउण लई थोड़ा इस 'च आपां पानी ऐड कर रहे हां जी। इत्थे मैं 2 कप दे आसपास पानी ऐड कर रहा। हुण जी इस पानी नूं आपां चंगी तरह मिक्स करांगे इस ग्रेवी दे विच ते इस नूं आपां बॉयल कर लेना। ते लो जी पानी नूं असीं चंगी तरह मिक्स कीता ते बॉयल भी हो गया जी। हुण आपां की करांगे, ये जिहड़ी ग्रेवी है ना इहनूं थोड़ा स्लो कुकिंग चाहिदा हुंदा है सारे फ्लेवर्स डेवलप होण वास्ते, कंसिस्टेंसी सैट होण वास्ते। हुण मैं की करूँगा जी, ये जिहड़े रेंजिज हैगे ये स्विच कर लाँगे ते डीप फ्राइंग लई आपां रेडी कर लैंदे आं ऑयल नूं। ते मीन वाइल साडी जिहड़ी ग्रेवी है वह स्लो हीट ते पकी जाएगी। ते जद तक साडा ऑयल गर्म हुंदा है थोड़ा मैं किचन क्लीन कर लैना, फिर आपां कोफ्ते फ्राई करके ग्रेवी दे विच ऐड करांगे। ते हुण असीं जिहड़े इह कोफ्ते तैयार कीते सी जी इहनूं वधिया गोल्डन क्रिस्प डीप फ्राई करना है जी। ते डीप फ्राइंग लई ऑयल बिल्कुल परफेक्ट टैंपरेचर ते है, असीं इत्थे मॉडरेट हीट यूज कर रहे हैं, मतलब कि 165 तो लैके 170 तक दा ऑयल जिहड़ा है वह असीं मेनटेन कीता है। ते पैन दी कैपैसिटी दे हिसाब नाल 6 to 7 पीस एक बार च आपां डीप फ्राई कर लवांगे। बहुत ही केयरफुली इह कोफ्ते जिहड़े है वह आपां ड्रॉप करने हैं। ते जी देखो बहुत वधिया इसका गोल्डन कलर आ चुका है। हुण मैं इसनूं फील कर रहा ना स्पून दे नाल, बहुत क्रिस्प इसकी टैक्सचर भी फील हो रहा है। ते लो जी ये जिहड़ा फर्स्ट बैच सी ना बहुत ही वधिया गोल्डन कलर इसका आ चुका है, वधिया क्रिस्प भी हो गया जी। आपां फर्स्ट बैच बाहर कढ लांगे ते बहुत ही केयरफुली इसनूं आपां ड्रेन आउट करना है जी। कोई भी एक्सट्रा ऑयल होवे उहनूं तुसीं ड्रिप कर लो। ते कोफ्ते नूं चंगी तरह आपां मिक्स कर लेना। तो जिहड़ी इह नवाबी ग्रेवी है, नवाबी कोफ्ता है, इहदे विच हल्का जिहा होर एक एलीमेंट ऐड करन लग्गिआं खुशबू ते रजाइयत दा, रजाइयत मतलब रिचनैस इस च ऐड करन लग्गिआं जी। एक देसी घिओ दा तड़का असीं ऐड करांगे। तो सब तो पहला तड़का पैन मैं गर्म करदा जी। इहदे विच ऐड करना जी 1 चम्मच देसी घिओ, इस नूं आपां मेल्ट होण दवांगे। तो घिओ दे विच ऐड करना जी 1/4 चम्मच देगी लाल मिर्च, थोड़ा जिहा रंग निखारन वास्ते। ते थोड़े जे चॉप किए हुए धनिए के पत्ते, बहुत वधिया इसकी खुशबू ते कलर जिहड़ा साडी तड़के दे विच ऐड हो जाएगा। चंगी तरह जी इसनूं मिक्स कर लेना आपां। ते लो जी तड़का बिल्कुल तैयार है। हुण आपां इसनूं ग्रेवी च ऐड करन लगे हां। ते हुण की करना आपां, बिल्कुल स्लो हीट ते ये जिहड़े कोफ्ते हैं इस ग्रेवी च असीं पकन देवांगे सिर्फ 3 to 4 मिनट लई। फिर करते हैं सोहनी जी प्लेटिंग, फिर मैं थोड़ा टेस्ट करके दसूँगा कि फ्लेवर किस तरह का। जिहड़े कोफ्ते हैं ना जी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, मैं स्पून लगाया नाल दी नाल ही टुट गया जी। स्वाद आ गया जी, बहुत ही फ्लेवरफुल। Z5 ऐप डाउनलोड करो ते वेखो सारे एपिसोड बिल्कुल फ्री।